नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त हम बैठे हुए हैं सतना शहर पे, और सतना शहर पे विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी भैया हरिओम गुप्ता जी के साथ। और दोस्तों, चुनावी माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है, चुनावी दंगल चल रहा है, और 17 नवंबर को वोटिंग है। तो किस प्रकार से वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है, क्या चुनावी माहौल है, आइए आज हम बात करने जा रहे हैं विंध्य जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी हरिओम गुप्ता जी से। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले सतना की देवतुल जनता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। भैया, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति हो रही है, और क्या ये जो परिवर्तन होना चाहिए तो वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर मैं सतना की अगर बात करूं तो सतना, पहले सतना का ही नाम सबसे ज्यादा आगे आगे आता रहा है, रीवा कहीं नहीं था। लेकिन पिछले 20 सालों से सतना कहीं पीछे चला गया और रीवा कहीं और आगे आ गया। पूरे व्यापारी, पूरा व्यापारी समाज यहाँ पर, यहाँ से आप रीवा देख लीजिए, सिगरौली देख लीजिए, सीधी देख लीजिए, वहाँ के व्यापारी यहाँ पर अपना सामान खरीदने आते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई, यहाँ का व्यापार धीरे धीरे पूरा ठप हो चुका है। ऑनलाइन से संबंधित आप देख रहे हैं, ऑनलाइन के वैसे व्यापार तो इसे ठप हो चुका है, लेकिन जो व्यापारी बाहर से आते थे वो भी यहाँ पर आप नहीं आ रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ का जो नेता है, जो राजनेता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 20 साल में सिर्फ अपना ही विकास किया है। साइकिल से, स्कूटर से चलने वाला जो यहाँ का जनप्रतिनिधि, हवाई जहाज से चलने लगा है, उनको यहाँ की जनता से कोई लेना पाना नहीं है, उनको सिर्फ सिर्फ अपने परिवार से, अपने खुद से लेना देना पाना है। और वर्तमान समय में जो लाडली बहना योजना चल रही है, शिवराज सरकार चला रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जनता के लिए किस प्रकार से ये योजनाएं चल रही है? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जिस समय कोरोना काल, वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली हुई थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी गरीब की याद नहीं आई। उस समय एक एक रुपए के लोग मोहताज थे, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, पूरा व्यापार बंद हो चुका था, लोग घरों के अंदर हो चुके थे। उस समय गैस सिलेंडर 1100 को बिक रहा था। अब जो कि चुनाव आ गया है तो वो 500 रुपये भी कर देंगे, 300 रुपये भी कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सबको मालूम है कि फिर 1100 रुपये हो जाएगा। और सतना शहर के जो युवा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आज भी युवा परेशान है, बेरोजगार है, तो युवाओं के लिए आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? सतना का युवा रोजगार यहाँ पर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर चल रहे हैं, इंडस्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ का युवा बेरोजगार इसलिए घूम रहा है क्योंकि क्या है, जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, वो सिर्फ अपना, अपने परिवार को ही नौकरी लगाने में लगे रहते हैं। दुनिया से कोई लेना पाना नहीं है, चाहे तो यहाँ पर दबाव बना के फैक्ट्रियों में कि भाई इस लोकल के जो रोजगार युवक घूम रहे हैं हमारे, उनको रोजगार यहाँ पर दें। व्यापारी जो अपना काम कर रहा है उनको रोजगार दे रहा है, लेकिन जो पढ़ लिख के बच्चे जो बड़े हैं, पढ़े पढ़ लिख के आए हैं सतना में, वो सतना में रुकना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं रुकना चाहते कि भाई उनको नौकरियां है नहीं वहां पर। बड़े बड़े डॉक्टर बन के यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर बन के यहाँ सतना पे आए हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेडिकल कॉलेज बना है, बोलते हैं कि हमने बनवाया है। पूरे व्यापारियों ने यहाँ पर आंदोलन किया, विंध्य चैम्बर में चूंकि मैं मंत्री भी हूँ, हम लोगों ने भी आंदोलन किया, तब जाके यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई यहाँ पर। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर हो जानी चाहिए। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन हमारा जो पड़ोसी जिला है वहां सतना की योजनाएं, वहां के जनप्रतिनिधि बहुत तेज हैं, तो वहां के जनप्रतिनिधि यहाँ की योजनाओं को वहां ले जाते हैं। यहाँ सतना जो है विकास की जो है मुंह देखता रह जाता है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं हमारे सतना शहर को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो उन पर अगर पूर्णतः रूप से देखी जाए सतना शहर के विकास पर, तो अपने क्या विचार रखेंगे आप? देखिए, सतना की अगर बदलाव होना चाहिए तो किन किन चीजों का बदलाव होना चाहिए? सतना की जो स्थिति है यहाँ पर, कोई सबको मालूम है, यहाँ पर रोड इतनी हालत खराब है, पानी भी आप देखिए, जो नल से पानी आ रहा है, गंदा पानी आता है, लाइट बिजली पानी की इस व्यवस्था तो सब देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ दिक्कतें हैं कि यहाँ पर ना कोई इस तरह की कोई व्यवस्था है, जो मल्टीनेशनल जैसे कंपनियाँ आनी यहाँ आनी चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार बढ़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सतना में जो है होनी चाहिए, क्योंकि क्या औद्योगिक नगरी है ये, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर, यहाँ का रेवेन्यू 40%, मतलब अगर विंध्य की बात करें, विंध्य प्रदेश की, चूँकि जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का 40% रेवेन्यू यहाँ से पूरा बाहर जाता है। अगर वो 40% रेवेन्यू यहाँ पर रहे, सतना में रहे, क्योंकि मैंने देखा कि 300 करोड़ रुपया अभी सिंगरौली से भेजा गया इंदौर के विकास के लिए भेजा गया।
अब वो 300 करोड़ रुपया हमारे यहाँ रह सकता है, उससे सतना का विकास होगा, रीवा का होगा, सीधी का होगा, सिंगरौली का होगा, शहडोल का होगा, लेकिन चौतरफा विकास होगा, लेकिन हमारा जो पैसा है सब पूरा बाहर जा रहा है। इसलिए हमारी जो पार्टी विंध्य जनता पार्टी है विंध्य प्रदेश की, इसीलिए मांग कर रही है कि यहाँ का पैसा यही रहे, सतना यहाँ संभाग बने, रीवा पूरा पूरा यहाँ पर विंध्य प्रदेश के, फिर मांग हो यहाँ पर फिर से विंध्य प्रदेश पर स्थापित हो, क्योंकि विंध्य प्रदेश एक बार यहाँ बहुत बन चुका है। अगर बात खिलाड़ियों की करें, हमारे सतना शहर में एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी भी हैं और प्रतिभावान बच्चे भी हैं, उनके बारे में किस प्रकार से वर्तमान में जो सरकार है वो किस प्रकार से काम कर रही है हमारे सतना के लिए? खिलाड़ियों के लिए ना तो कोई यहाँ स्टेडियम है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर स्विमिंग पूल था जवाहर नगर में, छोटी सी कोई घटना हो गई तो आज 2 साल से स्विमिंग पूल बंद है। मतलब आप समझ लीजिए किसी को कोई लेना पाना नहीं, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं इनसे कोई व्यापारियों से संबंधित, यहाँ की जनता से संबंधित कोई किसी से कोई लेना पाना नहीं है। हम यहाँ सतना की जनता से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत जो भी समस्याएं हैं, चाहे रोड में आना पड़े, चाहे हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे उसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, व्यापारियों से संबंधित हो चाहे आम जनता संबंधित हो, पूरी तरह से मतलब सड़क में लड़ाई लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे इसके लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही और दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नहीं बल्कि कई सामाजिक संगठनों में अपनी अहम भूमिका निभाते चले आए हैं, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो हमेशा खड़े रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी में आता है और इन तक अगर जानकारी लग गई तो निश्चित रूप से उसकी हर संभव मदद करते हैं, ऐसे हैं हमारी हरिओम गुप्ता जी। और वर्तमान समय में विंध्य जनता पार्टी से विधायक प्रत्याशी भी हैं, तो भैया किस प्रकार से बदलाव आएगा अगर जनता ने एक बार साथ दिया तो किस प्रकार से, कौन कौन से वो बेसिक काम है जो शुरुआती दौर पे सबसे पहले आरंभ किया जाएंगे? देखिए कोई व्यापारी परेशान नहीं होगा, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, कोई भी यहाँ पर आम जनता, जैसे मान लीजिए यहाँ मेडिकल से संबंधित बहुत समस्याएं हैं, तो मेरा ये है कि मैं तो ये तक बोल दिया हूँ कि मेरे को अगर मौका देगा तो मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगा, और तनख्वाह अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो वो भी मैं जनता को दे दूंगा, पूरी पूरा जितना भी हमको मिलता है वो पूरा हम दे देंगे। मैं आपको यही बार बार यही बता रहा हूँ कि हम लोग ने समाज सेवा के क्षेत्र में हमें काम कर रहा हूँ, आज 10 साल से काम कर रहा हूँ। कोरोना काल आया, यहाँ के नेता कभी दिखे नहीं, घर से बाहर नहीं निकले हम लोग उस कोरोना काल में, जब हाथ जो शिष्य साफ करते हैं अपन, जो है सैनिटाइजर जब नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने अपना खुद का सैनिटाइजर बना के फ्री में वितरित किया। 3-3 महीने हमने रसोई चलाई, यहाँ पर गरीबों को भोजन कराया, सूखा अनाज दिया हम लोगों ने, मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, और उसके बाद फीवर किट के लिए हम लोगों ने पूरे जिलों में फीवर किट बांटी, कम से कम 40-50 हजार की संख्या में फीवर किट हम लोगों ने बांटी। इस तरह करके हम लोगों ने पूरा कोरोना काल के समय कुलियों, हम लोग गए रेलवे स्टेशन तो पता चला कि वहाँ ट्रेनों का आवाजाही नहीं हो रहा है, तो वहाँ के कुली परेशान, उनके पास खाने का ठिकाना नहीं था, पूरे हमने किट बनाई, एक एक महीने की किट जाके उनको दिया, एक एक महीने का राशन दिया उनको। कहीं भी कोई मजदूर बाहर से आ रहा है 100-100 की संख्या में, 200-200 की संख्या में, हमारा रसोई के माध्यम से उनको भोजन दिया, हर तरह से हम लोगों ने मदद किया। लेकिन कभी अगर नेता कहीं दिखा हो तो आप लोग बता दीजिए यहाँ पर, इस तरह आगे भी इसी तरह हमारा जो हम लोग जो पूरी टीम है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम समाज सेवा के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, पीड़ित मानवता के क्षेत्र में अगर कोई बात आएगी तो सबसे आगे खड़े होने वाला हरिओम गुप्ता रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं हम चाहते हैं कि एक बार अगर आपने साथ दिया तो निश्चित रूप से, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे वह युवा वर्ग हो, चाहे वह बुजुर्ग वर्ग हो, हर एक प्रकार से उनके जो भी काम है वो काम भी पूरे किए जाएंगे और हर एक प्रकार से उनका ख्याल भी रखा जाएगा, उनकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। हरिओम भैया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपना विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।